चलिए ओके जी, 7th B बेटा अपना माइक ऑफ कर लो बस, ठीक है। सो इन विच ऑर्गन द ब्लड इज, ब्लड गेट्स, हम एक टर्म करते हैं प्योरिफाइड। प्योरिफाइड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड। सेवंथ ए, सम स्टूडेंट कम जल्दी से। यस सेवंथ जी में से आ जाइए बेटा, साकेत, सेवंथ जी साकेत। सेवंथ एफ समृद्धि, हाँ जी बेटा। मैम यस। बेटा इन विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी द ब्लड इज प्योरिफाइड, मैम हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, किडनी में, कहाँ पर? हार्ट मैम हार्ट, में प्योरिफाई होता है, लंग्स मैम सॉरी लंग्स। में बेटा, है ना। हार्ट सिर्फ पंप कर रहा है, ध्यान से रंग सुनना है, हार्ट सिर्फ पंप करता है प्योर ब्लड को, प्योरीफाई हो कहाँ रहा है। बैठो समृद्धि, बैठो बेटा। सो इट इज, लिखते चलो क्वेश्चन। सो इट इज प्योरीफाइड, आंसर आ जाता है लंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अनदर इज, विच आर मिनिएचर लंग्स। एल्विओलाई, यस वेरी गुड। Why alveoli are called as miniature lungs? ये तो ठीक है, alveoli are miniature lungs, but why they are called as miniature lungs? Who will tell me? Yes, 7th D, somebody come, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आके बताओ। मैम बिकॉज दे हेल्प इन हेल्प द ऑक्सीजन टू गोज इन ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड वेरी गुड। अपना नाम भी बता दे बेटा जल्दी से। वेरी मैं वरिंदर सिंह फ्रॉम 7th D। गुड वरिंदर, ठीक है। सो व्हाई दे आर कॉल्ड एज, व्हाई एल्वियोलाई आर कॉल्ड एज मिनिएचर लंग्स, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड इन ब्लड। जिसको नहीं पता वो लिख लो, एंड ऑक्सीजन एंड CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन एल्वियोलाई। ये रीजन असर्शन में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ओके एवरीथिंग क्लियर? चलिए जी, सो दीज आर कॉल्ड एज मिनिएचर लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू कि यहां से ब्लड में, ये आपका ऑक्सीजन आ गया। नाउ माई क्वेश्चन इज, वेयर द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। मैम कैन आई, यस बोलिए, कौन है जिसने आंसर नहीं दिया पहले वो बताओ। सेवंथ मैम सेवंथ ई में से कोई बताइए, समबडी फ्रॉम 7th E। मैं बुलाऊं 7th E में से? यस वंदना इज देयर, वंदना एब्सेंट एब्सेंट है, दीपांश आ जा, दीपांश जल्दी से। वेरियस ऑर्गन्स एंड सेल्स ऑफ द बॉडी।
वेरी गुड, वेरी गुड. सो लंग्स, सो यू कैन से ब्लड ट्रांसपोर्ट्स. बैठो बेटा, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू वेरियस सेल्स ऑफ बॉडी. अभी हम करेंगे कि सेल्स में जाकर क्या होता है, बट माई अनदर क्वेश्चन इज व्हाई हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. मैम, कैन आई क्या सेवंथ बी में से कोई बताएगा, समबडी फ्रॉम सेवंथ बी. सेवंथ बी में से बच्चे हु विल कम. अर्शप्रीत, सेवंथ बी में से अर्शप्रीत आ जाओ बेटा. अर्शप्रीत नहीं है. हाँ जी, ब्लड इज मैम प्यूरिफाइड इन किडनीज और लंग्स? ब्लड इज, देखो बेटा हम ये नहीं कह सकते किडनी में भी थोड़ा बहुत प्यूरिफाई होता है, बट हम मेनली कह देते हैं प्योरिफाइड या ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स. ठीक है ओके ना, हम किडनीज का भी मना नहीं क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहां पे रिमूव होते हैं. ठीक है, बट अगर आ जाए ऑक्सीजनेटेड तो वहां पे हम, तो प्योरिफिकेशन हम बोथ कह सकते हैं, अगर दोनों हो तो दोनों हम कह सकते हैं. ठीक है, बट अगर ऐसी कंफ्यूजन आएगी तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड लिखा होगा. ठीक, हाँ जी. ओके सेवंथ सी बच्चे, सेवंथ सी, अंगद, अंगद इज देयर? यस अंगद, टेल मी व्हाई हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है बेटा? अंगद को नहीं पता? अंगद आपने यहीं खड़े रहना है बच्चे. क्वेश्चन. समबडी फ्रॉम सेवंथ है, सेवंथ है, रोल नंबर सेवन. मेरे पास आपके ने नहीं है तो सही, मेरे पास लिस्ट. आर्यन इज देयर? सेवंथ है, मैम एब्सेंट. एब्सेंट है आर्यन. दिव्यांश, मैम ही लेफ्ट द स्कूल. नितिन, नितिन है कि नहीं? मैम है. नितिन बताओ बेटा, व्हाई हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जल्दी से. चलिए, पता नहीं, कोई बात नहीं, किसको पता है? जरा आप अपना हाथ खड़ा करो जल्दी से. कितने स्टूडेंट्स को पता है? सेवंथ एफ बच्चे, फर्स्ट स्टूडेंट. हाँ बोलो. मैम बिकॉज इट बाइंड्स इट वेल इट सेल्फ विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. बिकॉज, बिल्कुल ठीक है, बट हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे. बिकॉज आंसर इज, लिख लो सारे, बिकॉज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, मैम कहना है मैम एक मिनट बेटा, बाइंड्स विद, बोलो आप बोलो. इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू ऑल द सेल्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड, नहीं, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, बिकॉज हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. बिल्कुल ठीक है, जिसको नहीं पता वो लिख लो. इज इट ओके? करें आगे? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन साइड सेल्स? यस, हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा? नवकरण फ्रॉम सेवेंथ हेव.
नहीं, 7th F नहीं, नहीं 7th आप नहीं बेटा, आप बहुत बता चुके। एनी अदर 7th E में से समबडी फ्रॉम 7th E। मैं ही पूछूं फिर, 7th E में से बेटा इशिता। जल्दी से आया करो, हाथ खड़ा किया करो एकदम की है, ओके नहीं? एब्सेंट। इशिता एब्सेंट है, देन साक्षी, हाँ जी बेटा। मैम, टू प्रोड्यूस एनर्जी इनसाइड द सेल्स। कैसे कैसे एनर्जी कैसे बनती है? हाँ, क्या होता है एनर्जी, कैसे, कौन सी प्रोसेस से, क्या जलता है, क्या बनता है, किस चीज की ऑक्सीडेशन होती है? हाँ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बेटा, ये बता दिया आपको, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोला करो। बैठो बेटा, एवरीबडी सिट डाउन। सो ध्यान से सुनो बेटा, सब बैठ जाओ अपने सीट्स पे आराम से, इधर उधर नहीं जाना है क्लास के बीच में। मैम, कैन आई हाँ जी बोलिए बेटा। मैम, इट हेल्प इन टू टेक प्लेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इट हेल्प्स इन सेलुलर आई रेस्पिरेशन। यस बोलिए। बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्लूकोज, विच मीन्स फूड टू मेक एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वाटर, ठीक है? चलो बंद करो अब ध्यान से, अब मेरी बात सुन लो, आप सबको आता है। सो ऑक्सीजन कॉजेस, ध्यान से यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बता रही हूं, कंप्लीट अगर आपको याद रहता है ऑक्सीडेशन, तो आप ये लिख लो ऑक्सीडेशन। और अगर बाई चांस ऑक्सीडेशन वर्ड ना याद हो, तो यू कैन राइट डाउन ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन कॉजेस कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड कौन सा? मेनली ग्लूकोज, ठीक है? जिसमें क्या होता है, दिस इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी। इज इट अ केमिकल रिएक्शन और ए फिजिकल चेंज? केमिकल रिएक्शन। यस वेरी गुड, इट्स ए केमिकल रिएक्शन बिकॉज ग्लूकोस इज ब्रेकिंग डाउन। जैसे हम वुड की बर्निंग करते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है, ऐसी तरह यहां पर भी ये केमिकल रिएक्शन, इट इज बर्निंग ऑफ, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोस एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज, यस हम कहना है एनऑक्सीडेशन। हाँ जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं, जो पहले आंसर दे चुके हैं वो नहीं। 7th B वाले अपना माइक ऑन करके हम बोलेंगे, कहना है एनऑक्सीडेशन। 7th B वाले, 7th B वाले माइक ऑन करो और बोलो। हाँ जी अब बोलो, एवरीबडी फ्रॉम 7th B, कौन सी रेस्पिरेशन है ये? बोलो, एक का हाथ खड़ा है, आ जाओ आगे आ जाओ 7th B। इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, माइक ऑफ मत करो, बस शांति से बैठो। इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। बातें बिल्कुल नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं, कंप्लीट ब्रेकडाउन है, कुछ ग्लूकोज का बचता नहीं है यहां पर, पूरे का पूरा टूट गया। बट इन सम केसेस क्या होता है बेटा, सेल रेस्पिरेशन, ध्यान से इधर ध्यान से देखना है, सेल रेस्पिरेशन मे अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
एंड एवरीबडी दिस इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन ना हो तो अब आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। कई बार आपने क्या देखा है कि आपके गैस के बर्नर्स है उसमें ब्लू फ्लेम है, पूरी क्लीन है, गैस आ रही है, बर्न कर रही है, आपके बर्तन खराब नहीं होते। बट अगर वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले उस गैस को, आपके बर्नर के होल्स ब्लॉक्ड हो, तो येलो फ्लेम आती है, खाना बहुत देर से बनता है और आपके बर्तन भी काले हो जाते हैं। वुड को, गीली अगर लकड़ी है तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं, पानी ऑक्सीजन नहीं अंदर जाने देता तो वो प्रॉपर बर्न ही नहीं होती। सूखी लकड़ी है एकदम जलकर वो ऐश बना देगी। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और अगर फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, लेस एनर्जी की मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी, लेस यस एनर्जी, यस लिबरेशन ऑफ लेस एनर्जी। ठीक है, तो अगर एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस आ जाए तो आप दो डिफरेंसेस तो ये लिख ही सकते हो, तीन लिख सकते हो। फर्स्ट इज एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट, इन एरोबिक रेस्पिरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। सबने सुनना है क्योंकि ये डिफरेंसेस आ जाते हैं पेपर में। एनारोबिक रेस्पिरेशन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। एग्जाम्पल्स दो, इन मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स देयर अकर्स एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन अवर स्केलेटल मसल्स। हां जी, मैम यीस्ट इन यीस्ट यीस्ट में भी होती है, बिल्कुल ठीक है। बट हमारे मैम इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वेरी गुड, आपको तो बहुत सारी एग्जांपल्स पता है। बट हमारी बॉडी में अगर हम कहें तो स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, बातें नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज, यस, अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज कर ले, हम बहुत तेज भाग कर रहे हैं, हम कहीं पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारे स्केलेटल मसल्स की ऑक्सीजन उसमें स्टोर्ड होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये सबने लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर लिखा नहीं होता है कहीं पे। एवरीबडी राइट डाउन द स्टोर्ड ऑक्सीजन इन मसल्स गेट्स यूज्ड अप एंड देयर स्टार्ट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा नहीं है, कई बच्चों को बेटा कंफ्यूजन क्या होती है, आई विश आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि स्केलेटल मसल्स में, अगर आप अब बैठे हैं, आपकी टांगों के मसल्स, आपकी बाजुओं के मसल्स, इन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, कोई एनारोबिक नहीं हो रही है। बट अगर इसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है और आपकी टीचर कहे कि 4 राउंड पूरे स्कूल के ग्राउंड के लगा के आने हैं, तो आपके लेग के मसल्स में डेफिनेटली एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होगी। यस और नो? तो फिर नॉर्मली उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही है, बट हैवी एक्सरसाइज के टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होती है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन पता है आपको कि नहीं? ये मैं इसलिए करवा रही हूं क्योंकि आपने मुझे यीस्ट और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम बताया है। तो एक में क्या है, ग्लूकोज बर्न्स, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्कोहल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस
एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी है बट थोड़ी है. एंड दिस अकर्स, एग्जाम्पल आ जाती है यीस्ट. और दूसरी तरफ ग्लूकोज, नो ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. यहां पे सीओ टू नहीं बनती है, प्लस एनर्जी. एंड दिस अकर्स इन, एग्जाम्पल आ जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड अवर स्केलेटल मसल्स. और बेटा ध्यान से अब मेरी बात सुनो, क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे. अब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स को कैसे पता चलता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो गई है, मैम, कई बार मसल्स में क्रैम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्रैम्स आने शुरू हो जाते हैं. क्रैम्स का क्या मतलब है कि पेन होनी शुरू हो जाती है एंड वी कैन नॉट मूव फर्दर. ठीक है, मेनली लेग के मसल्स में हमें ऐसे लगता है हम एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे. दैट इज मसल क्रैम्स, कि इनएबिलिटी ऑफ द मसल्स टू डू वर्क. क्या है मसल क्रैम्प्स, लिख लो. इनएबिलिटी ऑफ अवर मसल्स टू डू वर्क. इज कॉल्ड एज मसल क्रैम्प्स एंड इट अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वेरी गुड. एंड नाउ माई क्वेश्चन इज, लैक्टिक एसिड जमा हो गया, अब हमने इसको निकालना है क्योंकि हमारे मसल्स को काम नहीं करने दे रहा. कहना है अभी रुको, अभी रुको. सेवंथ ए, सेवंथ ए, कैन एनीबडी टेल मी हाउ कैन वी डिस्पोज ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम अवर मसल्स. सेवंथ बी, पीछे से कोई स्टूडेंट, पीछे से वो लास्ट में एक, और मसाज. एक मिनट बेटा, एक मिनट. अच्छा सेवंथ ए में से, हाँ क्या बताया बेटा दोबारा से. बाय टेकिंग हॉट बाथ और मसाज क्या इससे क्या फायदा होगा बेटा, मैम, लैक्टिक मैम हमारे मसल क्रैम्प्स मैम रिमूव हो जाएंगे. कैसे, क्यों, क्या ऐसे, क्या मसाज ने ऐसा क्या कर दिया? ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है मैम. वेरी गुड, ब्लड सर्कुलेशन से क्या हुआ मैम? लैक्टिक एसिड निकल गया. अच्छा ब्लड में, मतलब वो लैक्टिक एसिड ब्लड में गया और ब्लड से वो निकल गया, ऐसा कैसे? ब्लड तो सर्कुलेट हुए जा रहा है. बेटे सेवंथ ई, हाँ हाँ बोलो सेवंथ ई, हाँ बिकॉज इट इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. उससे क्या फायदा हुआ बेटे? इट कैरीज ऑक्सीजन. यस वेरी गुड. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि द ब्लड हॉट वाटर, देखो ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन लिखिए, हाउ द मसल मसल क्रैम्प्स कैन बी ओवरकम, हाउ मसल क्रैम्प्स आर ओवरकम और हाउ लैक्टिक एसिड इज डिस्पोज्ड ऑफ, हाउ लैक्टिक एसिड इज डिस्पोज्ड ऑफ. गिव रीजंस, गिव रीजंस. तो आंसर लिखिए बाय हॉट वाटर बाथ और बाय मसाज. दिस इंक्रीजेस, राइट डाउन, दिस इंक्रीजेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. दिस इंक्रीज, सेवंथ एफ बेटा फर्स्ट बेंच पे जो लड़का है लिख लो बेटा, दिस इंक्रीजेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू विच सफिशियंट ऑक्सीजन, ड्यू टू विच
सफिशियंट ऑक्सीजन रीचेस टू द मसल्स? लिख लो बच्चे, ड्यू टू विच सफिशियंट ऑक्सीजन। ध्यान से, इस पे रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ड्यू टू विच सफिशियंट ऑक्सीजन रीचेस टू द मसल्स। फिर नीचे एरो डाल के लिखो, द ऑक्सीजन कॉजेस, द ऑक्सीजन कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर लैक्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है। द ऑक्सीजन कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर नीचे एरो डालो, दिस रिमूव्स मसल क्रैम्प्स, दिस रिमूव्स मसल क्रैम्प्स। ध्यान से हिंदी में सुन लो कि मसाज से, हॉट वाटर ट्रीटमेंट से क्या होता है, ब्लड की सर्कुलेशन थोड़ी फास्ट होती है। हम पर्टिकुलर जगह पे मसाज करते हैं तो वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है। जितना ज्यादा ब्लड पहुंचेगा उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो लैक्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन ब्रेक डाउन हो जाएगी, और अगर लैक्टिक एसिड नहीं होगा तो मसल क्रैम्प्स होंगे ही नहीं। इज इट क्लियर? चलिए अब हम एक चीज, हमारे पास वी हैव 5 मिनट्स, तो हम सिर्फ अब बात करेंगे ब्रीदिंग की। ये मैंने आपको सेल रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया है। बातें नहीं, सेवंथ है। सो दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज रिब केज, ठीक है? रिब केज, रिब केज मतलब एक जंगला सा, एक पिंजरा है जिसमें क्या प्रेजेंट है, ये आपकी आगे क्या होती है, दिस इज चेस्ट बोन। साइड्स में क्या है, ये रिब्स है। ये रिब्स पीछे किससे जुड़े होते हैं, यहां पे नजर नहीं आ रहे, बट ये पीछे है हमारी बैकबोन। और नीचे किससे कवर्ड है, ये है डायाफ्राम। इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी? सो दिस इज रिब केज। और अगर हम आपको यहां पर दिखाएं तो यहां पर भी आपको नजर आएगा, आई होप इट्स क्लियर। दिख रहा है आपको? इज इट क्लियर और नॉट? ये आपको आगे क्या नजर आ रहे हैं, ये आपको रिब्स नजर आ रहे हैं। आगे इसके ये देखिए, ये चेस्ट बोन नजर आ रही है, ठीक है? पीछे देखो जरा, पीछे जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है। यहाँ पे आपको डायाफ्राम नहीं नजर आता, बट यहाँ पे ऐसे करके डायाफ्राम अटैच्ड है, तो एक ये पिंजरा बन जाता है जिसके अंदर लंग्स है। पूरे का पिंजरा हिलता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, इज इट ओके? ठीक है, सो दिस इज रिब केज। ड्यूरिंग ब्रीदिंग द रिब केज, राइट डाउन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग द रिब केज मूव्स अप एंड डाउन। ड्यूरिंग ब्रीदिंग रिब केज मूव्स अप एंड डाउन। नाउ अब आप क्या देख रहे हो, और यहां पे लिख लो मेन स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर फॉर चेंजिंग द साइज ऑफ रिब केज, मेन स्ट्रक्चर फॉर चेंजिंग द साइज, चेंजिंग द साइज ऑफ द रिब केज इज डायाफ्राम, इज डायाफ्राम। सेवंथ है बेटा, थोड़ा सा अपना माइक ऑफ कर। ये देखिए, दिस इज, यू कैन सी, कैन यू सी इट क्लियरली? दिख रहा है आपको? ये आपने शायद स्कूल में भी बनाई होगी आपने एक्टिविटी। ये दिस इज इक्वल टू डायफ्राम। जब ये ओहो कितनी आवाज है, जब ये नीचे, ये देखिए, ये जब नीचे हो रहा है तो देखिए बलून स्वेल कर रहा है कि नहीं,
यस और नो? यस जब हमने ऊपर किया तो बलून श्रिंक किया, दिख रहा है? ये यस बलून इज इक्वलेंट टू योर लंग्स, ठीक है? तो लंग्स श्रिंक कर गया जब ये ऊपर गया, और जब श्रिंक करते हैं, अपनी जरा अपने चेस्ट पे हाथ रखो, बाहर एक्सहेल करो, लगता है कि लंग्स अंदर गए, मैम, यस और आपको लगता है कि डायफ्राम ऊपर को आया। ऑब्जर्व करो, तो बलून श्रिंक हुए क्योंकि हवा बाहर जा रही है। तो यू कैन सी, जब हमने डायफ्राम नीचे किया तो बलून स्वेल हुआ, डायफ्राम नीचे हुआ, लंग्स कैविटी स्वेल हुई। जब हमने डायफ्राम ऊपर किया तो बलून श्रिंक किया, श्रिंकेज का मतलब हवा बाहर आ रही है, एक्सहेल, एंड दिस इज इनहेल, दिस इज एक्सहेल, दिस इज इनहेल। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट वॉल्यूम का कंसेप्ट भी यहाँ पर, वहां ये हम आपके एग्जाम्स के बाद मैं बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। आई विल टेल यू आफ्टर एग्जाम्स, बट यू कैन सी हियर दैट डायफ्राम इट मूव्स अप ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, लंग्स की कैविटी जो है वो कम हो जाती है। ओके, समझ में आ रहा है? ये लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है जब हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, डायफ्राम मूव्स डाउन, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड द एयर कम्स इन। इज इट ओके? ठीक है जी, तो बस अभी इतना याद रखो कि जब डायफ्राम नीचे आया तो इनहेल, जब डायफ्राम ऊपर गया तो एक्सहेल, ठीक है जी? सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन? चलिए, ठीक है। तो अभी असाइनमेंट हमारी रहती है, वी विल डू इट आफ्टर एग्जाम्स, बिकॉज टुमारो वी विल स्टार्ट विद योर मैथ्स, राइट? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस्पिरेशन के मैंने आपको करा दिए हैं, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। यस और नो? ठीक है, फिर भी अगर कोई पॉइंट होगा तो आप मैथ्स वाली टीचर को कह देना कि हमने रेस्पिरेशन का ये पॉइंट समझना है, आई विल कम एंड टेल यू। ओके, चलिए जी। ओके टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय अब आप वहां से जो है, बाय बाय मैम, बेटा बाय, वहीं से ही ऑफ करते चलो, क्योंकि यहाँ पे 6th क्लास के स्टूडेंट्स आ गए हैं। थैंक बाय मैम, यू फॉर टीचिंग, हाँ जी बेटा, बाय थैंक मैम। यू, बाय बेटा, बाय बाय। इसमें कोई क्लास है? हाँ, इसमें मेरी है। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं मैम, उसने बोला दोनों का डिफरेंस। अच्छा 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 मैम, 9th और 10th का पेपर फॉरवर्ड किया।
गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. यू आर ऑल सेट फॉर मैथ्स क्लास. सिट डाउन प्लीज. सिट डाउन. हाउ आर यू ऑल? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है मैथ्स के एग्जाम की? ठीक है, तीन ही चैप्टर आ रहे हैं, कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है आपका. डिड यू रिवाइज एट होम? घर पे किया था रिवाइज? ऑलराइट. आपके बेटा तीन चैप्टर हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड रेशियो प्रोपोर्शन, है ना? यही तीन चैप्टर है ना आपके? यस. फ्रैक्शन हमने अभी अभी खत्म किया है, लास्ट फ्यू डेज में जो हमने मॉड्यूल किया था उसमें सारा कंसेप्ट आपका फ्रैक्शन का डिस्कस हुआ था. और आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी. यस. ओके, देन नाउ आज हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तीनों चैप्टर्स के. थोड़े से इंटीजर्स के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से रेशियो प्रोपोर्शन के और साथ में थोड़े से फ्रैक्शन के. तो इन तीनों के अलावा और तो कोई चैप्टर नहीं आ रहा आपका एग्जाम में? नो. एंड प्लीज डू वेल. क्वेश्चंस आपको आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को पता है कि जब वे डिस्कस आपका अच्छा रिस्पांस होता है, यू कैन सॉल्व वेरी वेल. तो अभी आपकी गलती ना हो एग्जाम में, उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? ठीक है, आपको अगर कोई चीज आती होती है तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि अरे ये तो सब कुछ आता है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी लिखेंगे वो ठीक ही होगा क्योंकि हमें सब कुछ आता है. फील होता है ना ऐसा? यू फील लाइक कॉन्फिडेंट जब एग्जाम में आते हो? आप सोचते हो कि इतने क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व किए, मैंने अच्छा रिप्लाई भी किया था मैम को, मेरे को सब कुछ आता है. ठीक है, बट दैट ओवर कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन कटिंग योर मार्क्स. कैसे? हमेशा आपके सामने देखो, कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है. ओनली थिंग इज कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपने टू टाइम्स पढ़ना है. ठीक है, सेकंड थिंग इज कि जब नंबर आप नोट डाउन करते हो क्वेश्चन से आंसर शीट के ऊपर, वो नंबर शुड बी सीन ट्वाइस. उसको भी दो बार देखना है कि कहीं गलत नंबर तो नहीं लिख लिया, 3/15 की जगह 8/15 तो नहीं लिख लिया. ओके, थर्ड थिंग इज यू हैव टू रिवाइज योर कैलकुलेशन. जो भी प्लस करते हो, एलसीएम लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो, माइनस करते हो, कितना कुछ करना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए. ठीक है, उसकी कैलकुलेशन दो बार चेक करो, उसके बाद फाइनल में लिखो जो मैम ने चेक करनी है. ओके, साथ साथ वो तो साथ साथ ही करना है हर एक क्वेश्चन में. फिर जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद चेक करो कि क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया जो मैंने स्किप कर दिया, मिस हो गया मेरे से सॉल्व करना. कई बार हो जाता है हम सेकंड के बाद फोर्थ पे आ जाते हैं, थर्ड वाला मैंने पढ़ा ही नहीं. समटाइम इट हैपन्स लाइक दिस ऑल्सो. कई बार मैंने बच्चों को देखा है वो घर आके बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे को दिखा ही नहीं क्वेश्चन वहां पे. होता है ऐसा कई बार आपके साथ ना? समटाइम यू आफ्टर कमिंग होम देखते हो ये क्वेश्चन तो मुझे वहां दिखा ही नहीं, ये कैसे मिस हो गया. या एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं तो दोनों को सॉल्व करना है. कई बार बच्चे ए पार्ट को सॉल्व करके वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, उनको बाय चांस वो स्किप हो जाता है. कई बार एक किसी क्वेश्चन के ए बी पार्ट नहीं होते बट एक ही सेम ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे होते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा होता है, तो वो भी ध्यान देना है. आपने दो चीजों के बारे में अगर पूछे तो दो आंसर्स आपको अलग अलग बताने हैं. ठीक है, ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एग्जाम में, अपनी बुक में भी देखे होंगे जब करते हो कि कई बार एक क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी हुई हैं. Yes. It happens. ठीक है, Why I'm telling this all? क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आपको पता है फ्रैक्शन है, नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स क्या होता है, आपको सब्ट्रैक्शन करनी आती है इंटीजर्स की, एडिशन करनी आती है, साइन लगाना आता है. आई नो यू नो एवरीथिंग. अब आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपने यही ऑब्जर्व करना है, यू नो एवरीथिंग मेरे बताने वाला नहीं है. अब आपको ये देखना है कि एक्यूरेसी कैसे आती है, आपका आंसर परफेक्टली ऑल राइट विदाउट एनी मिस्टेक कैसे निकलता है,
उस पे आपने फोकस करना है। ठीक है बेटे, एक रफ कॉलम बनाओ, क्वेश्चन साथ साथ में लिखवाऊंगी और मिक्स चैप्टर्स के, तीनों चैप्टर के मिक्स हम क्वेश्चन करेंगे। दिस इज रिविजन, यू कैन राइट द हेडिंग एट द टॉप, रिविजन। ठीक है, और किसी को कोई डाउट होगा यू कैन आस्क ऑल्सो। मैं क्वेश्चन भी साथ साथ लिखूंगी क्योंकि सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, जिनपे इंपॉर्टेंट इन द सेंस थोड़े से हाई लेवल वाले, सिंपल सिंपल तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो प्रोपोर्शन की जब हम बात करें, और जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी शाउट नहीं करना, आई विल कॉल द नेम। ओके, यस, राइट द क्वेश्चन। Isha's weight is, write down the question also, Isha's weight is 25 kg. Believe in yourself और अपना अपना करना, ठीक है? Imagine कि you are sitting in examination hall और अपना अपना question कैसे करोगे confidently? And her father's age, and her father's age is 75 kg. Okay, weight aayega, kya aayega? Weight aayega. Haan, to Isha's father age, okay, age likh diya maine yahan pe, yahan bhi weight aayega. Yes, weight, weight, weight is 75 kg. Write the ratio, write the ratio of her father's age, her father's age, and sorry, her father's weight. Sorry, age pe focus aa raha hai mera, I don't know. ये एज वाले क्वेश्चन करो ना, एक दो जी इनकी लिस्ट कर दो ना, 60 फादर्स वेट, राइट द रेशियो ऑफ हर फादर्स वेट एंड हर एज, हर वेट, वेट को मैं डब्ल्यू टी अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इसमें अब ये जो वर्ड हमने एंड लिखा है ना बीच में, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एंड की जगह क्या आना चाहिए, कौन बताएगा? अब आपने रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर किया हुआ है, फादर्स एज, यस, 6G, फर्स्ट चाइल्ड, एंड की जगह क्या आना चाहिए वहां पे? टू आना चाहिए ना, रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में टू पढ़ते हो ना, वेट टू हर वेट। ओके, 6C फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं, यस, दिस गर्ल, यस, जस्ट टेल मी कि व्हाट विल बी इट्स आंसर, सिंपली उसकी रेशियो क्या होगी, पहले ये बता दो कि उनका फ्रैक्शन क्या आएगा यहाँ पे, लोएस्ट फॉर्म में मत करो चाहे। 72:25। दोबारा बोलो। 75:25। पहले आपने 72 बोला था, यस, है ना, ये यही गलती होती है एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपको एकदम से दोबारा पूछा और आपने भी जब दोबारा बोला फिर आप कॉन्शियसली बोले कि यस 75, इमीडिएटली आपने जो 72 आंसर दिया तो एग्जाम में भी गलती से 72 लिखा जाता है और वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यही चीजें हमें ध्यान से देखनी है मैथ्स में, पर स्पेशली यही फोकस होना चाहिए कि नंबर मेरा ठीक हो जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में। इट विल बी 75:25। ओके, यू मस्ट नो कि रेशियो हम की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेशियो आएगा, पहले टू डॉट्स आएंगे। सेकेंड थिंग आपने नोटिस करनी है कि पहले फादर की बात हो रही है तो सबसे पहले फादर का आएगा वेट और उसके बाद उसका अपना वेट आएगा। ओके, ऑन फ्रैक्शन एंड रेशियो प्रोपोर्शन दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, पता है ना आपको,
जो जो रूल्स आपने फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़े सेम रूल आपके रेशियो में भी अप्लाई होते हैं। नोटिस किया आपने? डू यू नो रेशियो में भी आप इक्विलेंट फ्रैक्शन निकालते हो, इक्विलेंट नंबर इज इट रेशियो है जो जो कहते हैं कि यस फ्रैक्शन एंड रेशियो आपस में काफी मिलते हैं। यस यस वेरी गुड। ठीक है, कुछ नया रूल नहीं है इसमें, जस्ट ये है कि आपको टू डॉट्स बीच में लगाने हैं और आपको ये बताना चाहिए कि फर्स्ट वाला नंबर हमें न्यूमिनेटर शो कर रहा है और सेकेंड वाला नंबर हमें डिनोमिनेटर शो कर रहा है, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि एन आई ए और डी ए, आपके माइंड में होना चाहिए दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल बी 75 अपॉन 25 और फिर इसको लोएस्ट टर्म में आप कर सकते हो। ठीक है, 25 थ्री सा 75 इट विल बी 3:1। प्लीज माइंड इट, जब आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो आंसर भी रेशियो में ही आना चाहिए। ओके, बिकॉज दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ हर फादर्स वेट टू हर वेट। ठीक है, इफ वी आस्क अबाउट, इसमें कुछ लर्न करने वाला बात नहीं है। कई बच्चे लर्न करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, फादर्स वेट यहाँ था और यहाँ पे उसका वेट था। इट कैन क्वेश्चन कैन कम इन ट्विस्ट वे ऑल्सो। ठीक है, ट्विस्ट कैसे हो सकता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हर वेट, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हर वेट टू हर फादर्स एज, सॉरी फादर्स वेट, ये भी हो सकता है ना, 1:3 1:3 उल्टा हो जाएगा, पहले 25 आ जाएगा और फिर उसके बाद 75 आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस है बस। इस चैप्टर में यही चीज फोकस करना है कि पहले क्या चीज आएगी और बाद में कौन सी चीज आएगी। ओके इसके मॉड्यूल भी हमने किया था इफ यू रिमेम्बर। ओके नाउ राइट डाउन 12 मोर क्वेश्चन, शैल आई क्लियर इट बेटा? आई एम यस किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आज सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट मीन्स जो बेस बिल्कुल आपको जो है वो जहां मुझे लगता है कि आप गलती करने के चांस होते हैं बच्चों के, वो करवा रही हूँ क्वेश्चन। राइट, सेकेंड क्वेश्चन, यस राइट डाउन, लेंथ ऑफ रूम, इफ लेंथ ऑफ रूम इज 30 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर, देन रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इज इक्वल टू डैश। एंड इसी के साथ मैं लिख रही हूं, पहले तो आपने इसका रेशियो लिखना है। इफ देयर आर 24 गर्ल्स एंड 16 बॉयज इन अ क्लास, इन अ क्लास देन रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि आज हम अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इज इक्वल टू डैश। ठीक है, यू हैव टू टेल मी आर दे इक्विलेंट, आर दे इक्विलेंट, माई क्वेश्चन इज दिस, प्लीज राइट डाउन एंड टेल मी आर दे इक्वल और नॉट। Yes, they are in, they are equivalent ratios. Yes, they are equivalent. Raise your hand who have done. Okay. चलो सबको करने दो. Okay. Hands down, hand down, बच्चे. Yes. Let everybody do.
Okay, now I'll call 6B. 6B, last girl who is sitting near the wall. Please tell me, iska ratio kya aa raha hai? Length to breadth. Yes, aage aajo bete. B section. Yes, jaldi se aajo. What is the ratio of this length to breadth? Ma'am, 3:2. 3:2. Sabka yahi aa raha hai? Yes. Is equal to 3:2. ठीक है, हमने lowest form में भी करना होता है इसको साथ के साथ, पता है ना आपको? Fine. Sit down, बेटा. Good. C section. जो wall के साथ बच्चे बैठे हैं. And the child who is sitting alone, wall ke saath. Aajo aage, very good. Aapko hi bol rahi hu, but a second bench. Yes, yes, aajo. What is the ratio of girls to boys? Yes. बोलो बेटा, हैव यू डन? नो नो. आते हैं आपको? यस. ओके, तो यही भी बता दो मेरे को, आंसर मत बताओ, बस ये बता दो कि वो रेशो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे. 24 गर्ल्स हैं और 16 बॉयज हैं, तो क्या रेशो? 16. एक्सेलेंट, 24:16, वेरी गुड. इसको जब आप लोएस्ट टर्म में करोगे तो आपका आंसर आएगा. प्लीज गो बैक. यस, आपकी थॉट इज वेरी परफेक्ट. ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में सबको करना आता है. 24:16. आप सोच रहे हो कि कौन सा टेबल लगाएं, किससे लोएस्ट फॉर्म में करें. 6B सेक्शन, फर्स्ट बॉय. फर्स्ट बॉय, यस, जल्दी से बता दो. व्हाट इज 24:16? 3:3. आपने क्या? मैम 3:2. 3:2. आपने 2:3 बोला. प्लीज चेक इट. बेटा इसको देखो, आपका अभी यहाँ पे मिस्टेक क्यों हुई है? ये मार्क्स कटने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे. प्लीज पुट अ स्टार हियर. व्हाई 2:3 कैसे बोला आपने? द मोमेंट यू राइट 24:16, तो उसको 24:16 जल्दी से रफ में लिख लो. रफ कॉलम आपका रेडी होना चाहिए. हर एक चीज मेंटली नहीं होएगी आपकी, इसीलिए मैंने बोला है कि मैथ्स के पीरियड में या फिर एग्जाम में आपका पेन नहीं रुकना चाहिए. इट शुड वर्क कंटिन्यूअसली. कभी आप रफ में लिख रहे हो, कभी आप फाइनल में लिख रहे हो. ओके, रफ में क्विकली इसको कर लो. ठीक है, अगर आपने 2 का टेबल लगाया, 8:2 16, ठीक है, 12:2 24, फिर 4 का टेबल लगाया, 4:2 8, 4:3 12, 3:2, बहुत अच्छा आ रहा है. काटने में थोड़ी एफर्ट लगेगी. जो बच्चे थोड़ा सा स्लो है कैलकुलेशन में, उसको जल्दी से रफ कॉलम में काट के देख लो. द आंसर विल बी 3:2. अगर आपका बाय चांस 6B, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जिसने मेरे को 2:3 आंसर बताया था, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली बेटा. 2:3 जो है वो अगर आपका आ रहा है, बाय चांस आपका 2:3 आ रहा है, उसको क्विकली चेक कर लो दोबारा से कि मैंने गलत तो नहीं किया, क्योंकि दे आर आस्किंग इक्विलेंट. तो इक्विलेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन चेक करनी बहुत जरूरी है कि वो रियल में अनइक्वल है या फिर इक्वल है. आपकी कैलकुलेशन बताएगी. जिन बच्चों ने 2:3 लिखा होगा वो कह देंगे नॉट इक्विवेलेंट, और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत, और 2 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है. आर यू फाइंडिंग इट इजी क्वेश्चन? रेज योर हैंड जिसको इजी लग रहा है. यस, दिस इज इजी. किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड. सो 3:2 3:2 दोनों में हमें ये बता रहे हैं कि यस दे आर इक्विवेलेंट. यस दे आर इक्विवेलेंट. दे आर इक्विवेलेंट.
प्लीज नोट इट डाउन, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो. मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई मार्क्स कटने वाली बात है आपकी. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. यस और नो लिखने से पहले अपनी कैलकुलेशन को दो बार चेक करो और कंफर्म करो कि रियल में दे आर अनइक्वल या फिर मेरी गलती है. थर्ड क्वेश्चन. राइट टू इक्विवेलेंट. बेटा नोट डाउन कर रहे हो सारे क्वेश्चंस? यस. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज योर रिवीजन. ठीक है. राइट टू इक्विवेलेंट रेशियोज. अभी फ्रैक्शंस की बात नहीं हो रही है, रेशियोज ऑफ 6:7. टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:7. ओके. अभी 6:7 के इक्विवेलेंट रेशियोज किस किस को आते हैं? रेज योर हैंड. आंसर तो चलो निकाल ही लोगे, पहले मुझे ये बताओ कि किस किस को आता है ये क्वेश्चन. ओके सोच लो. 6B अभी सोच रहे हैं क्वेश्चन. गुड गुड, नोट डाउन भी कर लो. Two equivalent ratios. 6F. Yes, this girl, second bench. Yes, you are raising your hand. Yes, tell me, beta. Ma'am, 12:14. 12:14. Okay. Yes. 18:21. 18:21. Okay. अब ये चीज़ें तो आपने रेशियो में बोली है तो आंसर भी ऐसे ही आना चाहिए. यस, रेशियो के फॉर्म में आंसर बताना है. आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. सिट डाउन, गिव 2 मार्क्स टू योरसेल्फ. और आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन किया आपने, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कई बच्चे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो लेकिन ऊपर और नीचे सेम नंबर होना चाहिए इक्विवेलेंट के लिए. बताया था आपको? Yes. सेम चीज आपने रेशियो में भी करनी है. और रेशियो में करने के बाद ये काम आपने रफ में करने के बाद जो आपने मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर आपका ये होना चाहिए अगर आपने पूरे मार्क्स लेने हैं तो. सेम क्वेश्चन यू कैन गेट इन फ्रैक्शन चैप्टर ऑल्सो. राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 6/7. तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर दोगे, अगर रेशियो पूछा है तो रेशियो फॉर्म में आंसर दोगे. ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम मेथड अप्लाई करना है. एवरीबॉडी नोज कि फ्रैक्शन में भी हम ऐसे ही करते थे, इसमें भी ऐसे ही करते हैं. डिड यू नो? मैम यस. मैम यस. फाइन, गुड. वन मोर क्वेश्चन जो कि फ्रैक्शन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, हमने फ्रैक्शन में भी किया था इसलिए मैं अभी रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ ये बताने के लिए कोई डिफरेंस नहीं. आपको ज्यादा तैयारी नहीं चाहिए रेशियो प्रोपोर्शन के लिए. जो कंसेप्ट आपको फ्रैक्शन में समझ आया वो सेम चीज यू विल अप्लाई देयर. ठीक है. ओके. डिवाइड रुपीज 60 in the ratio, in the ratio 1:2 between Kriti and Kiran. This is ratio between them, 1:2 between Kriti and Kiran. टू फ्रेंड्स आर देयर, उन दोनों में ये डिवाइड करने, रेशो उनकी 1:2 होनी चाहिए.
राइट द क्वेश्चन, थिंक ऑफ इट. डी सेक्शन आई कॉल फ्रॉम यू नाउ. सोच लो क्वेश्चन को. आपने किए हुए ऐसे क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर? यस यस यस. डी सेक्शन, गौरीश भाटिया. डी सेक्शन, यस. हाउ वुड यू सॉल्व इट? आंसर नहीं मेरे को बताना, जस्ट मेथड बताओ कि क्या करोगे इसमें. हाउ विल यू स्टार्ट? यस यू नो इट बेटा, हाउ टू डू? नो नो. ओके ओके, बैठ के सुनो ध्यान से. आई विल कॉल यू अगेन, अगले क्वेश्चन में बुलाऊंगी मैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, प्लीज राइट डाउन. इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट इन द सेंस, इंपॉर्टेंट शोज यू कि यू हैव टू अप्लाई एफर्ट ऑन इट. चैप्टर आपको पूरा आता है, बट इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप ऊपर आपको अभी फोकस करना है. यस, बी सेक्शन, फर्स्ट बॉय. यस, ध्यान से बोलना अभी, वो 2:3 वाली गलती नहीं करनी. I'm with X. Yes, now tell me, how would you solve it? I'm with X. How to start? I'm by taking X. By taking X, okay. Kaise? Let Kirti equals to 1X. Let Kirti, yes. Kirti is equal to, nahi likhna. Kirti is equal to, nahi. आपको जो करवाए हुए जिस मेथड से, एक्स वाले मेथड से करवाए आपको क्लास में? यस. ओके ठीक है, चलो वैसे ही करो फिर. लेट, आपको ये पता है कि दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो थोड़ा शेयर कीर्ति के पास है, थोड़ा शेयर किरण के पास है. ठीक है, लेट कीर्ति शेयर बी 1x. शेयर मतलब जितने रुपीज, 60 में से जितने रुपीज उसको मिले. ठीक है, एंड किरण्स शेयर इज इक्वल टू 2x. देन 1x प्लस 2x, पहले इनको प्लस कर ले, इज इक्वल टू 3x. 3x इज इक्वल टू 60, क्योंकि यहां पे जो टोटल शेयर उनके पास जाएगा वही तो टोटल मनी के इक्वल होगा, उसी के तो हमने डिवाइड करना है, इज इट? So you find the value of x that is equal to 20. Then you can find Keith's share and Kiran's share. This question might come for 3 marks also. Okay, you must know कि पूरा का पूरा completely लिखने का, अगर आपकी रिटर्न में कोई मिस्टेक नहीं होती, डोंट गो फॉर कि हम बस आंसर टिक निकाल लिया तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे. इट नेवर हैपन्स. आंसर तो आपका 2 लाइन में ही आ जाएगा. यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप. ठीक है, पार्ट बाय पार्ट. सबसे पहले क्या मेंशन करना है, उसके बाद क्या करना है, लास्ट में आंसर कैसे लिखना है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल के उसको उधर ही छोड़ देते हैं. दे फॉरगेट कि अभी एक्स को रिप्रेजेंट नहीं किया आपने, कीर्ति और किरण में नहीं रिप्रेजेंट किया, सिर्फ एक्स निकाला है. ऐसी गलती भी करते हैं कई बच्चे. तो व्हाट इज कमिंग, कीर्ति शेयर कितना आ रहा है? 20 रुपीज 20, एंड किरण शेयर इज कमिंग 340. हाँ, 2 × 20 इज इक्वल टू ₹40. किस किस को ये क्वेश्चन आता था, रेज योर हैंड. लिखना भी स्टेप वाइज. ओके गुड, जिनको नहीं आता था प्लीज अंडरस्टैंड. एंड गौरीश, जिसको मैंने बुलाया था, गौरीश भाटिया, हैव यू अंडरस्टूड डी सेक्शन? प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो रहा है उठ के पूछ लो. दी स्टेटमेंट क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं आपको, और दोनों की वैल्यू निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर?
चलो एक लास्ट क्वेश्चन रेशो वाला करते हैं, फिर दूसरा मैम जो आपने मैम थर्ड क्वेश्चन कराया मैम इसमें है कंफ्यूजन। थर्ड क्वेश्चन करवाया, थर्ड कौन सा करवाया था, 3:2 वाला मैम? मैं नो मैम, 6:7 वाला, इक्विवेलेंट रेशोस। यस ओके चलो अभी दोबारा करते हैं, इसको क्लीन करो बेटा। यस ओके क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, राइट टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6 and 7, रेशियोज ऑफ 6:7, ये था क्वेश्चन आपका, यही था क्वेश्चन। यस आई रिमेम्बर, हाँ हाँ यही था। तो आपका बेटा 6:7 है, आपने आंसर तो 6:7 में ही देना है, तो शुरू तो यहीं से करना है। तो 6:7 का मतलब क्या है, 6/7। ओके जो नो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर अप एंड डाउन, वी हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है, विल बी इक्वल टू 12/14। और 12/14 को आगे लोएस्ट टर्म में नहीं करना आपने, इसको एज इट इज ही छोड़ना है, तभी तो वो इक्विवेलेंट आएगा। अगर इसको भी लोएस्ट में कर दोगे तो वापस से 6/7 बन जाएगा। यू हैव टू स्टॉप हियर। अब एक रेशियो आपके पास आ चुके हैं, दैट इज 12:4 जो कि इसके इक्विवेलेंट है। सेकंड निकालने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 3, 18/21, तो इसका आंसर आया 18:21। तो इसके टू इक्विवेलेंट रेशियोज हमारे कौन कौन से हुए, ये और ये। आपका आंसर आएगा 12:14 एंड 18:21। ये तो हमने बेटा सिंपलेस्ट नंबर लिया 2 and 3। कई बच्चे इसको 4 ले लेंगे, कई बच्चे 5 ले लेंगे, किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर कोशिश करो स्मॉलेस्ट नंबर लो, उससे आपकी गलती होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि 2 का टेबल सबको आता है, 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना सबको आता है, अगर वो आप छोटा नंबर लोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। इज इट क्लियर बेटा 6B? यस सिट डाउन, गो एंड नोट इट डाउन। ओके आई वॉन्ट टू आस्क यू कि ये क्वेश्चन सबने 2 and 3 से मल्टीप्लाई किया या किसी ने किसी और से भी किया था? 2 and 3 दैट इज एडवाइजेबल, आई से 2 and 3 लो, 1 and 4 है, इट्स ओके 4 भी इट्स फाइन, ठीक है, बट टेबल आपका ठीक होना चाहिए, ऊपर और नीचे 4 ले रहे हो या ऊपर और नीचे 5 ले रहे हो, कुछ भी लो, लेकिन आप जो टेबल फॉलो कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, दैट शुड बी करेक्ट, ठीक है बेटा। आई एम हैप्पी टू नो हिम कि उसने खड़े होकर डाउट पूछा, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि एग्जाम से पहले अपने डाउट्स क्लियर कर लो, चैप्टर तो आप बहुत बार कर चुके हो, छोटे मोटे जो डाउट्स हैं प्लीज स्टैंड एंड आस्क, दिस इज क्लियर बेटा। ओके एक लास्ट क्वेश्चन हम रेशियो क्वेश्चन का कर रहे हैं, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इंटीजर्स। यस क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम Hema's house to the distance of school from Rina's house is 2:1, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हु लिव्स नियर द स्कूल, रीना,
ठीक है, हु लिव्स नियर टू स्कूल, एंड सेकेंड क्वेश्चन है बी पार्ट्स कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल. ठीक है, टेबल आपको दिया हुआ है, उसमें टेबल में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, उसको आपने कंप्लीट करना है. टेबल इज गिवन, फर्स्ट इज फ्रॉम हेमाज हाउस डिस्टेंस फ्रॉम हेमाज हाउस. कैन यू सी द बोर्ड क्लियरली बेटा? नीचे है डिस्टेंस फ्रॉम रीनाज हाउस. ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि अभी आपको क्विकली सब कुछ रिवाइज करना है. ठीक है, तो ये आपका टेबल दिया हुआ है, ऊपर हीना की वैल्यूज लिखनी है और नीचे रीना की वैल्यूज लिखनी है. इट इज 10/5, इट इज गिवन टू यू, और आगे आपको दो वैल्यूज और दी हुई है. कंप्लीट द टेबल. इट इज गिवन डैश बाय 4, एंड हियर इट इज गिवन 4/डैश. ठीक है, मैंने क्विकली जल्दी जल्दी बनाया, आप भी इसको क्विकली लिख लो, फिर टाइम अप हो जाएगा, आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा. ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली, आई एम रिपीटिंग इट. रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हेमाज हाउस टू द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रीनाज हाउस इज 2:1. फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का मतलब क्या है? 2:1 का मतलब कि आपकी इमेजिनेशन क्या कहती है? हु विल टेल मी कि 2:1 हमें क्या बता रहा है? एफ सेक्शन फर्स्ट बॉय, आपके साथ वाला बॉय, आपने आप मेरे को काफी आंसर देते हो. लेट हिम से या यस बेटा. व्हाट इट सेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कि उसका डिस्टेंस टू दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2:1 है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है इससे? डिस्टेंस बता रहे हैं, डिस्टेंस बता रहे हैं कि जो हेमा का हाउस है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और जो रीना हाउस है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है. यही हुआ ना मतलब इसका? यस. कैन यू टेल मी, थिंक ऑफ इट, हु लिव्स नियर टू द स्कूल? रीना. रीना ऑफ कोर्स, जिसका डिस्टेंस कम है. ओके, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? रीनाज हाउस. Who lives Rina? You can say. Now, we have to talk about second B part now. ये second जो table है वो independent table है. उसका इससे A part से कोई relation नहीं है. इससे ठीक है? तो आपको ये देखना है कि एक आपको table दिया हुआ है. Distance from Hema's house is 10 किलोमीटर, Rina's house से 5 किलोमीटर है. Yes. अब बताओ बेटा. Sixth है, first boy. Yes. Only first वाला बताना मेरे को. 8/4. You said 8. Yes, sit down. किस किस को पता ये? Raise your hand. Good. Sixth A section and other children जिनको नहीं पता, please listen to it carefully. How to solve it? इसमें आपके पास बेटा 10/5 आपको रेशियो दिया हुआ है already first box में. इसको पहले लोएस्ट टर्म में कर लो. इट इज 2/1. कैन यू सी इट इज 2:1. तो आपको जो बाकी फ्रैक्शंस हैं, आपका ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको चलो चलो रेशियो को तो आपने लिख ही देना 2 डॉट्स लगा के. इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही करो कि आपके पास 2/1 आना चाहिए. 2/1 आना चाहिए इज इक्वल टू डैश बाय 4. इट इज लाइक दिस. ये आपका एक क्वेश्चन बन गया पूरा फ्रैक्शन वाले चैप्टर का. 2/1 आना चाहिए इज इक्वल टू डैश बाय 4. तो यू नो 4 कैसे आएगा? 1 से 4 कैसे बना? मल्टीप्लाई बाय 4 करके. तो ऑफ कोर्स ऊपर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे. तो दैट्स व्हाई इट इज 4 2 8. एनी डाउट इन दिस? हाउ कम इट हैज कम? हेलो हेलो. Very good. अभी I'll call the name for next blank. C section. Sartaj Singh.
यस बेटा, सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा? टू बाय वन इज इक्वल टू फोर बाय डैश, यू हैव टू थिंक ऑफ दिस ना. जैसे आपने फ्रैक्शन में मिसिंग नंबर किए हैं, ये वही है. ओके सरताज, मुझे ये बताओ कि टू से फोर कैसे बनेगा, क्या करोगे टू को? फोर बाय टू आएगा. फोर बाय, यस बोलो बोलो. टू. टू, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने. डाउट क्यों हो रहा है आपको? यू आर नॉट कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट ना, फिर बताओ अच्छे से, डरना क्यों है? Same thing you are doing in fractions also. Is it okay? You are doing now? Be confident. जो जो आपने fraction में किया, same rule यहाँ भी apply होने हैं. चाहे वो missing box के form में आ जाए, चाहे वो आपसे ये missing ये number के form में पूछ ले, चाहे वो equivalent fraction के बारे में पूछ ले, सब में same काम करना है आपने. Please sit down. Very good. Be confident. So what will come in this blank? Two. Oh, everybody knows. Two. Yes, this is your 3 marks question. Who have done themselves, they can mark it. Abhi main to aapki notebook nahi check kar sakti. You can give your own marks. Aur kis kis ke 3 marks aaye hain, mereko abhi bata do. Raise your hand. Kis kis ke 3 marks aaye hain. So great. Great. Please revise it also. ये नहीं सोचना कि मैंने अपने आप किए थे और मेरे फुल मार्क्स आए थे. एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज भी करने हैं और अंडरस्टैंड करने हैं. इज इट क्लियर? चलो थोड़ा सा अभी इंटीजर्स के बारे में करते हैं. इंटीजर चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से आता था जब हमने किया था. थोड़े से क्वेश्चन इसके करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है या 4 है आपका, कौन सा बेटा ये? इसका ये हम करेंगे बेटा उसके फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 6, इंटीजर्स के मिसिंग नंबर्स हैं -8-0 and -7-7. यू हैव टू पुट. अभी हम थोड़ा सा क्विकली करेंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स. देन -15 and -50. डन. डन. ओके गुड गुड. मैं जल्दी से अभी नेम बुलाऊंगी. ओके या फिर यू कैन टेल मी किस किस का ये आंसर आया है. रेज योर हैंड. गुड गुड. 1 mark फॉर दिस सेकेंड. किस किस का ये आंसर आया? सिंसियरली करना है. ठीक है, यू हैव डन योर सेल्फ अपने. ओके अगेन 1 mark. किस किस ने इसको ऐसे किया? यस यस. गुड गुड. 1 mark अगेन. ठीक है, एंड किसी को कोई डाउट है कि साइन ये कैसे आया? नो मैम. ऑलराइट, आई एम आस्किंग यू नाउ ट्रू एंड फॉल्स. सबने इकट्ठा नहीं बोलना. आई विल कॉल द नेम. ई सेक्शन कबीर. ई सेक्शन कबीर, आर यू देयर? यस प्लीज. आई एम टेलिंग द सेंटेंस बेटा. अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, ओरल बोलूंगी. लिसन टू इट केयरफुली. Every positive integer is larger than every negative integer. True or false? सबने नहीं बताना. ये कबीर बताएगा. True. True. Good. किस किस को आता था? Raise your hand. Is it true? You know it. हर एक positive integer जो है, very good. Hands down. हर एक positive integer जो है वो negative से बड़ा है. That you know. ठीक है. Second. तजिंदर सिंह 6E. ई सेक्शन एब्सेंट.
Jinder is absent. Ekam Bhatia, 60. Present. Present. Aage aa jao. Listen to me carefully. Zero is less than every positive integer. False. दोबारा मैं बोल रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, दोबारा से सुनो. Zero is less than every positive integer. True. True. How? Reason भी बता दो. क्योंकि सेंटर में आता है जीरो. किसके सेंटर में होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर में होता है. और आपको ये भी पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं इस साइड पे होती हैं, इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव होती हैं. ठीक है, और आप इस डायरेक्शन में जाते हो हमेशा, कीप ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन. आपको पता है ग्रो करते रहते हो, इसमें इंक्रीज होती रहती है. जब आप राइट डायरेक्शन में जाते हो ना, वो ग्रो होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है. जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे तो सारी वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं. पता है ना सबको? Yes. Now it is asked कि zero is less than every positive integer. तो every positive तो यहां से शुरू होता है ना, zero के बाद शुरू होता है. Zero तो उससे पहले आ गया, left side पे आ रहा है. इसका मतलब zero is less than every positive integer. Is it clear? Yes. Yes. Good beta, please sit down. And please, true false statements you have to read twice. दो बार करके फिर कंफर्म करना है कि ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, आपको ये नहीं है, मेरे को ये पता है कि एवरीथिंग यू नो एवरीथिंग. नंबर लाइन इंटीजर का जब भी आपने क्वेश्चन करना है, एक नंबर लाइन रफ में आपके पास ड्रॉ होनी चाहिए, उसको देख देख के आपने सब कुछ करना है. ठीक है, आपके सामने होनी चाहिए रफ कॉलम में. माइंड में तो सबको पता है जीरो सेंटर में होता है, वहां पॉजिटिव होता है, वहां नेगेटिव होता है. आपके रफ कॉलम में एक ये लाइन जो एग्जाम में, एग्जाम की बात कर रही हूं, अभी तो करना ही है, एग्जाम में भी क्वेश्चन करने से पहले दिस लाइन शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू. और ये साइन फटाफट अपनी नॉलेज से लगा लेने कि नेगेटिव पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है यहाँ डिक्रीज हो रहा है. फिर जो मर्जी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए वो गलत नहीं हो सकता. हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी किए थे इंटीजर्स में, इफ यू रिमेम्बर. एडिशन में हम क्या करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ए नंबर लाइन के ऊपर, अगर हमने एडिशन करनी है, वन प्लस थ्री करनी है, तो हम वन से स्टार्ट होके वन प्लस का मतलब हम राइट साइड पे जाते हैं. अब जब माइनस करते हैं तो वन से लेफ्ट साइड पे जाते हैं, करते हैं ना ऐसे, ऐसे किए थे हमने. यस यस. एडिशन के लिए ऑलवेज यू गो टू द राइट साइड बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग समथिंग, एडिशन कर रहे हो, उसमें बिगर नंबर ला रहे हो. ओके, और जब माइनस कर रहे हो तो शॉर्टर नंबर आ रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब आपने लेफ्ट साइड पे जाना है. क्योंकि आपकी रिप्रेजेंटेशन जो लाइन पे आएगी वो आपको रिप्रेजेंट करेगी आपकी नॉलेज को, कि आप नेगेटिव के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में सोच रहे हो या एडिशन के बारे में सोच रहे हो. आपकी डायरेक्शन बताएगी. Time is over. Okay, time is over. Okay, bete, all the best. I hope all these points. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bete. All the best. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bye, bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.